अब आप उम्रा को जा रहे हैं, अब मसला सुनो, बहुत अहम मसला है। अब आप उम्रा करके आ गए ना, तो आप पर हज फर्ज हो गया। तो अब जितनी जल्दी हो सके आपको कोशिश ये कर रहे हैं कि आते ही अगले साल काय के वास्ते जाऊं, हज के लिए जाऊं। काय के लिए जाऊं? हाँ, मेरा एक बयान हुआ था पिछले साल, जो जुमेरात को जो मेरा बयान होता लाइव बयान, तो उसमें एक उन्वान मैंने रखा था, हज फर्ज है उम्रा नहीं। फर्ज क्या है? हज फर्ज है उम्रा नहीं, हज फर्ज है। तो अब उम्रा के लिए आप जा रहे, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है ना। लेकिन अब आपकी कोशिश, पहली कोशिश क्या होना? हज। वरना उम्रा करने के बाद में आदमी क्या के दिमाग में शैतान क्या डालता? देख तो लिया, नहीं समझिए आप क्या डालते दिमाग में शैतान? देख तो लिया, अना हज में भी तो वही जाना पड़ता। नहीं, ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। बल्कि मैंने ईदगाह के बयान में ये कहा था मौलाना, अभी उम्रा बहुत चल रहा ना, उम्रे को लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इसके विरोधी नहीं है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन उम्रे के चक्कर में हज की अहमियत खत्म ना हो, उम्रे के चक्कर में हज की अहमियत खत्म ना हो, क्योंकि फर्ज हज है उम्रा नहीं है, उम्रा नफिल है, हज फर्ज है, हज फर्ज है, बार बार कह रहा हूं, हज फर्ज है। तो हज की तैयारी आपको जल्द से जल्द करना है। अच्छा, ये उम्रे को अक्सर क्या माहौल बन गया मौलाना, ये भी सुन लो, तुमको भी जुम्मा के बयान में काम आएगा, ये जुमला सुन लो आप, ये अब मौलाना ये जुमला सुनो, मैं जो समझा रहा हूं, अपने लोग भी नहीं बोलते ना अपने, क्योंकि आप उनमें ट्रस्टी से डरते ना, लेकिन मैं कैसा उदार मुफ्ती है समझा जो हुई। हाँ, इसी में मेरी इज्जत भी बहुत है और इसी में मैं बदनाम भी बहुत हूं, दोनों चीजें, इसी से मुझे दुनिया भर में इज्जत भी मिली है कि मैं बेबाक बोलता हूं, चाहे फलस्तीन का मसला हो चाहे हिंदुस्तान का मसला हो, क्यों? इसी से मुझे अल्लाह ने इज्जत भी दिया है, और जाहिर बात है कि पेड़ भी थूकते हैं कुछ लोगों को, तो वो भी दुश्मनी लेना पड़ती है आंग पर, वो भी आंग पर लेना पड़ती, उसी चक्कर में सब नौकरे चले गए मेरे। अभी सुना रहा था मैं किसको, तो तुमको सुना रहा था, समझा रहा था इनको मस्जिद में कि नौकरे भी जाते हैं, नौकरे भी जाते, लेकिन कर लेगा, हमारा ईमान रिस्क देने वाला कौन? अल्लाह। तो अब ये सुन लीजिए, उम्रे क्यों चल रहा है, ये वीडियो मेरी वायरल होगी। मौलाना बशीर साहब, अब टेक्निक देखो, ये उम्रे को लोग ज्यादा क्यों जा रहे, बच्चे क्या कर रहे, अभी हमारे दिमाग में क्या रहता, अभी तक के हमारे बुड्ढे बाड्ढे के दिमाग में क्या रहता था सबके, किर भाई जाना रहे हज को, नहीं ना मुफ्ती साहब, अपनी बस एक बेटी बचे ले, उसका हो जाए ना तो अपन चल जाएंगे हज को। ये मसला सुन लो पहले, तुम पर बेटियों की और बेटों की शादी करना तुम पर फर्ज नहीं है। अगर आपके पास में मसला बहुत अहम सुना रहा हूं, अगर आपके पास में इतना माल आ गया कि आप हज को जा सकते हो, तो शरीयत ये कहती है कि पहले आप पर हज फर्ज, लेकिन अपने जाहिल दिमागों में क्या बैठे ले, शादियां फर्ज है नहीं। अच्छा, और दिमाग में क्या बैठे ले, कैसा मौलाना, बच्चों की सेटिंग हो जाएंगी तो फिर अपन चल जाएंगे ना, वो सेटिंग करते करते तेरी सेटिंग हो गई तो नहीं समझा, ऊपर से तेरी सेटिंग हो गई तो, अरे बोल हो जा रही ना। कई लोग ऐसे हैं जो करोड़पति है, नहीं जा रहे, अल्लाह तौफीक नहीं दे रहा, अल्लाह भी नहीं बुलाता जब तक के खुद के दिल में ढाइया ना हो, जज्बा ना हो। तो हज फर्ज है, अब बच्चे क्या कर रहे मौलाना, अब माँ बाप क्या सोचते हैं, घर बना डाल रहा, शादियां कर डाल रहा, तो अब बच्चों के दिमाग में है कि अपने को बुड्ढा बुड्ढी को भेजना है, तो अब हज के लग रहे 7 लाख। बहुत खतरनाक बात बता रहा बोला अंदर की, हज को लग रहे कितने? 7 लाख। अब बुड्ढा बुड्ढी को दोनों को मिला के भेजे तो खाना वाना मिला के कितने हो गए? 15 लाख, क्योंकि खाना भी देना पड़ता ना, सबका खाए लेना है? नहीं समझा, तो कितने हो गए? 15 लाख। तो बेटे क्या लगते, सर 15 लाख लग जाएंगे, तो मौलाना बच्चे गेम कर रही है, बुड्ढा बुड्ढी को उम्रे को भेजाओ, 2 लाख पे चंदा
कसम खुदा के ऐसा बयान तुमने जिंदगी में कभी, अरे बोलो तो 2 लाख में बुड्ढा बुड्ढी को उम्रे को भेजाओ। अच्छा फिर वो जाके बुड्ढा बुड्ढी उमरा करके आ जाते है ना, उम्र में वो देखते तो बाद में उनको लगता बापरे उम्र में इतनी तकलीफ हुई थी तो हज तो 40 दिन का रहता। तो बाद में बुड्ढी भी बोलती नहीं कि मेरे को हज को भेजा ना बुड्ढा बोलता बाद में, अरे बोलो ना बुड्ढी बोलती कि मेरे को हज को भेजा। पर नहीं मेरे यारो, दोनों हाथ उठाकर बताओ अल्लाह कबूल कर लेगा तो आसानी पैदा करेगा कि हम इंशाल्लाह जल्द, दोनों हाथ उठाकर बताओ हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हज की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि हज असल में जवानी का है, कायगा है। और आज आके आएंगे ना जब तुमको मेरी बात याद आएंगी, हज असल में कायगा है जवानी का है ना। ये अभी इतने मरे तो तुम क्या लगता है यहाँ की बदमाश मीडिया, हमारे यहाँ की आतंकी मीडिया इतने मर गए? तो मैंने कल ही जवाब दिया उसका, बेटा 40 लाख में 4,000 भी मरे तो कुछ मरे नहीं। फिर मैंने दूसरी मरने की वजह बताया, मतलब मरने जो मरे ना मतलब जितने इसमें 90% कौन है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान बांग्लादेश ये जो हमारे मुल्क के आसपास के इनके दिमाग में क्या है कि बुड्ढा बुड्ढी जब आखिर उम्र में हज को जाते तो वो जब गए मरने की उम्र में तो मरे ना नहीं। मैंने कल कहा कि चैलेंज है दुनिया की सारी हुकूमतों को कि 30 लाख लोगों को 40 दिन तक तुम्हारी मां ने दूध पिलाई हुई रख के दिखाना। अरे वो तो सऊदीया का कमाल है, और उनका भी कमाल नहीं है, अल्लाह कहता है मेरे हैं ये मेहमान, किसके अल्लाह कहता है ये मेरे मेहमान है, वरना सऊदी के बाप की ताकत भी नहीं कि वो इतने लोगों को एक साथ इतना इंतजाम, 3 दिन का इज्तिमा करो, देखो कितने महीने मेहनत करना पड़ती है।